अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक। मैं हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले इसने मेरे साथ पता नहीं क्या किया। मैंने क्या किया है? मुझे गोद में उठाया तो मेरे लग गए। मैं ऑपरेशन वाली बंदी हूँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता है ऐसा। एक नहीं तो दो ऑपरेशन। आज हम लोग जा रहे हैं कहाँ? तोते लेने। कौन से तोते? कल रात में कौन कौन से बता रहे थे? बताओ नाम। जर्मन शेफर्ड। यार भी वो क्या है, तोते लेने जा रहे? परिंदे? हाँ। वो तो जर्मन शेफर्ड तो कुत्ता नहीं, डॉगी। एक मिनट, तोते का नाम मुझे बताया। पाइनो। हाँ, और वो ताज वालों का नाम क्या है? कॉकटेल। हाँ, और अल अल्पाइनो और अल्बिनो लैटानो लॉटिनो। हाँ, पता नहीं जो भी हैं। हम जा रहे हैं अभी वहाँ पे, एक बंदे से बात चल गई हमारी, अभी वहाँ पे जाएंगे। और अभी इस वक्त बच्चे इतना तंग कर रहे हैं और इतना कोई मेरे अब मेरी स्किन थोड़ी बेटर हुई है। आप लोगों ने मेरी स्किन को बोल बोल के ना मेरी स्किन को नजर लगा दी कि अब ये बता दें। बट अभी भी फेस में स्वाइलिंग है, थोड़ी स्वाइलिंग भी है, तो उसके लिए सर मैं जस्ट ओनली यूज मॉइस्चराइजर। बॉडी एंड बॉडी का बहुत अच्छा होता है, बस ज़्यादातर चीज़ें बॉडी एंड बॉडी की हैं। और एक बंदा अपने लिए क्रीम लेके आया है गोरे होने के लिए। ये कौन लिख रहा है? कोई नहीं, झूठा आदमी। सबको पता है सब चीजें कम लगाते हो। चलो चलें फिर। जाहिर सी बात है चलेंगे ही। अभी तक मेरा दुपट्टा कोई मिले, मैं अभी स्लीपर्स पहन और बस हम लोग निकलेंगे। बच्चों को साथ लेके जा रहे हैं क्योंकि बच्चों के बगैर बहुत अजीब सा लगता है बाहर जाना। बच्चों के साथ बहुत अजीब सा लगता है बाहर जाना, पर बच्चे चिपक गए हमारे साथ तो मैं भी लगा दूँ। जिसका काम उसी को सांचे। इतना करीब एक तेज देखा। अब आप समझ गए ना किसको एक और होने का शौक। चलो लेट्स गो। मेरा पर्स चीजें वगैरह समेट लो। वी आर टू पुट यार मेरी अलमारी की हालत देखो। अभी अली आया है तोते देखने के लिए, देख रहे हैं वहाँ पे तोते। और ये लोग यहाँ पे खेलने लग गए और मैं यहाँ पे खेला झूलने लग गया। नहीं नहीं नहीं, वो टंगी हुई बेवकूफ़। और अभी वो उसको बता रहे हैं सब कुछ तोतों के बारे में कि क्या है क्या नहीं, कैसा है कैसा नहीं। तो देखो अभी क्या होता है, क्या बात बनती है, खरीदते हैं या नहीं खरीदते। सी जब ले लेते हैं कुछ कर लेते हैं तो फिर बताते हैं। अभी तो बातचीत चल रही है, गर्मी की गर्मी हो बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। अगर ये शेड नहीं होता ना तो मैं तो मार ही जाती। क्यों? मैं भी झूला झूलूंगा। मैं झूला, मैं झूला। सिर्फ मैं झूल रही हूँ। ये दे रहा है मुझे झूला। हाँ झूला दो मम्मा को। अच्छा खुद दोनों को बिठा दूँ? रुको 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 रुको, बैठ गया। रोहान बैठे थे और मेरे हाथ पे इतनी जोर से लगा दिया और मेरा हाथ बिल्कुल नीला पड़ गया। मम्मा झूला दीजिएगा। दे रही हूँ। हमने लिया है ये वाला फानूस अपने रूम के लिए। यस, ज़रूरत पड़ेगी तो ले जाएंगे, कौन सा दूर है हमारे घर से। नहीं नहीं, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तो ये वाला मैंने लिया है, बहुत खूबसूरत सा, क्योंकि मेरे सीने का कलर इस तरह का है तो मैंने ये लिया। मैंने इन सब को नहीं लिया और बहुत सिंपल सा लिया है। तो ये हमने ले लिया है, पर ये रहा इनके हाथ में और अब हम लोग जा रहे हैं वहाँ। जी घर पे आने के बाद हमने नमाज वगैरह अदा की, फिर उसके बाद बहुत कामों में लगा था। फिर उसके बाद मैंने चढ़ाई दाल 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 दाल, अभी बन रही है दाल और साथ में बनेंगे चावल। चौके चावल भिगो दिए गए हैं और साथ बनेंगे क्या, साथ खाएंगे उसके
मज़े मज़े के अचार, और अभी ये सब कर रही हूँ। जब ये रेडी हो जाएगा खाना तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। डिनर इज़ रेडी और अब नवाब साहब आएंगे तो हम खाना खाएंगे। और मुझे बहुत शदीद भूख लगी हुई है और ये बंदा हमेशा लेट करता है खाने के वक्त में जब मुझे भूख लगी होती है। और देर से आते जान, तुमने मुझे आधे घंटे बोल के डेढ़ घंटे खवार किया। 2024 के ज़माने में कोई बीवी अपने शौहर का इंतज़ार करेगा? और ये बंदा लेट पे लेट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय अदर व्लॉग। कैसे हैं गाइज? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। तो गाइज घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता। हम एक चीज़ ख़त्म करते हैं तो दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हमारा रहता था, मतलब कुछ काम हो गए थे, कुछ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे काम हो गए थे। तो अब जो काम था वो था खिड़कियों पे पेपर लगाना, क्योंकि मैंने पर्दे इतने लाइट कलर के बनवा लिए कि वो नेट के हैं और उसके पीछे से जब सुबह होती है तो सबसे पहले सूरज आके मुझे जगा देता है। उठो बेटा राबिया, क्यों सो रही हो? तो भाई अभी नेट के जो है यहाँ पर मॉस्किटो नेट लग रहा है और उसके बाद पेपर्स लगेंगे यहाँ पर और बाकी हर जगह पेपर्स लगेंगे। जब पेपर लग जाते हैं, लग रहे हैं होंगे तो बताएंगे। ये जाली किसके लिए लेके आए? और क्या, और यही बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि घर छेड़ना और शादी छेड़ना ऐसे हैं कि अगर आप इनको छेड़ लो तो बस आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचता, सिर्फ काम 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 और काम। तो अभी वही हो रहा है, पेपर कट रहा है। ये देखें जी कैसे तमीज़ से पेपर कट रहा है, माशाल्लाह। जाएगा तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। इस रूम में लग चुका है पेपर और नेट भी आई गैस लगी ही चुकी है, पर वो मुझे नज़र नहीं आ रही। नेट का है नहीं, शायद अभी नेट नहीं लगी है। सॉरी, वापस बंद हो जाओ बेटा, वापस बंद हो जाओ। शाबाश 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 शाबाश। धूप से और ये खूबसूरत का खूबसूरत भी लगेगा, है ना रहमान? प्यारा लग रहा है ना? हम ऐसे ही हम उस रूम की तरफ जा रहे हैं, उस रूम में भी हम यही काम करेंगे। और जब ये लग जाता तो आप लोगों को दिखाती हूँ। पर लग चुके हैं उस पे शीशों पे, ये देखें यहाँ पे ब्लैक जिस तरह के नज़र आ रहे हैं ऐसे लगाए। और अंदर के भी दिखाती हूँ। सारा दिन काम कैसे लग रहा है इस रूम के लगाए? और ऊपर भी सेम ऐसे ही हैं, फिर भी मैं दिखा देती हूँ एक बार आप लोगों को। अभी ऊपर जो आप लोग ऊपर दिखाती हूँ। और अभी खुला था पानी तो मैंने पूरा सहन धो दिया और लगे हाथों गाड़ी भी धो दी। मैंने कहा क्यों बचाओ? अच्छा मुझे गाड़ी थोड़ी सी पीछे बनी हुई, गाड़ी की चाबी नहीं है मेरे पास। और मैंने गाड़ी भी धो दी, गाड़ी भी दिखाती हूँ देखें। अभी जब चारे घर आएंगे तो वो और डाल देंगे। मैंने पूरी चमका दी है। अली आ गया और अब हम लोग लगा रहे हैं अपनी एक फैंसी लगाएंगे जीने पे। इसको इसने सेट कर लिया, बस अभी लगेगी। हाँ अच्छा आ रही हूँ। बच्चों को बॉडी आ जाती है, खिलौने पढ़ने जाती है। रस्सी हमारी फैंसी लग चुकी है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और इसके तीन शेड्स हैं, ये हमने लगाया है वार्म, ये है वाइट, ये है येलो। इस तरह की लग रही है ये। मेरा आज का जो व्लॉग है वो मैं कर रही हूँ एंड उम्मीद है आप लोगों को मजा आ रहा होगा। मजा नहीं भी आ रहा होगा तो सब्सक्राइब कर दो, अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे। और ये नंबर कहाँ लगाया, मतलब बचाया है आइए आपका। तो इसी के साथ साथ व्लॉग खत्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।